सबका सपना एक सुंदर घर हो अपना, हर इंसान अपने सर पर खुद की छत हो ऐसे ख्वाहिश रखता है। इंसान समूह जीवी है, अपने आसपास के समाज के साथ रहना, विविधता में एकता भारत देश की पहचान है। अगर कोई देश की पहचान को बदलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? शायद भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। विजयपुर जिला में कुछ रियल स्टेट बिजनेस करने वालों ने नगर में अवैध धंधा शुरू किया है, जहां ऐतिहासिक इमारतों को विकास के बहाने तोड़कर अपना फायदा किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद को अपना जागीर समझकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विजयपुर में ऐतिहासिक स्मारकों को हानि पहुंचाया जा रहा है, और आपको बता दें कि इस इमारत को तोड़ने की मंजूरी भी खुद जिला प्रशासन और BDA ने दी है। यह हैरानी की बात है, शायद यहाँ के अधिकारी बिक चुके हैं। और खास बात तो ये है कि रियल एस्टेट वाले लोगों की जात को देखते हुए जमीन को बेचते हैं। विजयपुर नगर में जात में उच्च और नीच जात नामक भेदभाव जन्म ले रही है, जो कि कुमुवाद और दंगी की वजह बन सकती है। इस सभी बातों का विरोध करते हुए आज भीम आर्मी ने DC को निवेदन पत्र दिया गया है। अभी आगे देखना है कि क्या इस पर DC और BDA कमिश्नर आगे की कार्रवाई करेंगे या फिर आंख बंद कर आगे का तमाशा देखेंगे। ऐतिहासिक शहर विजयपुर, जो गुम्मट नगरी के नाम से जाना जाता है, विजयपुर में जो भी पुरानी इमारतें हैं, जैसे कि मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो, उनके आसपास में जो भी लेआउट डाला गया है, मैं सभी शेठ जी भाइयों से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ चड्डीदारों के चेले लोग हैं विजयपुर में, वो लोग रियल एस्टेट करके खूब पैसा कमा रहे हैं इलीगल, और चंद ऑफिसर हमें उसमें इन्वॉल्व हैं, जो बिना परमिशन के NA प्लॉट के परमिशन दिए हैं, जो और जो पब्लिक को जाति के आधार पर लंबानी समाज हो या दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ओनर बोलता है कि उन लोगों को हम प्लॉट नहीं देंगे और घर भी किराए से नहीं देंगे बोलते हैं। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसी जगह कुछ कास्टिज्म किया जाता है तो भीम आर्मी को इन्फॉर्म करें, हम वहाँ पे आकर आपको प्लॉट दिला देंगे। जय भीम आर्मी। आज भीम आर्मी की तरफ से DC साहब को मेमोरेंडम दिया गया। कारण यह है कि विजयपुर शहर के अंदर कुछ लेआउट्स हैं जहाँ पर शाही इमारतें हैं। शाही इमारतें को बगैर बताए इन्होंने ADLR ऑफिस और BDA ऑफिस से बगैर उसको बताए लेआउट प्लान और शीट अप्रूव किया हुआ है। और दूसरी समस्या यह है कि विजयपुर के अंदर जितने भी लेआउट्स हैं, जो NA के लेआउट्स हैं, वहाँ पर कहीं भी जाएंगे तो अगर छोटी जाति के लोग जाते हैं, जैसे हमारे दलित समाज के भाई या लमाणी समाज के या मुसलमान होने की वजह से वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपको प्लॉट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। हमारी DC साहब से यही अपील है, मनी देने का कारण यही है कि आदेश जब करते हैं, आदेश करने से पहले इस तरह की जाति व्यवस्था को सुधारने के लिए उस आदेश में आप एक कंडीशन टर्म डालिए कि इस तरीके का व्यवहार तुम सार्वजनिक पब्लिक के साथ नहीं कर सकते, किसी जाति को प्लॉट देना या नहीं देना इस तरीके की बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए DC साहब से हमारी रिक्वेस्ट है भीम आर्मी की कि आदेश, जब आपका आदेश होते रहता है तो इस तरीके की, किसी अगर कोई भी लेआउट का मालिक अगर घटना करता है तो उसके ऊपर कानूनी एक्शन ले सकते हैं बोल के एक कंडीशन डाल के ऐसे लोगों को ये लेआउट का प्लान का अप्रूवल करना है। इतनी बात करके मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। खालिद हुसैन, भीम आर्मी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट।